हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। चेस्ट है 13 इंचेस, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्मोल है 5.5 इंच, फुल लेंथ है 12.5 इंच, फ्रंट का नेक है 6 इंच, बैक का नेक है 7.5 इंच, स्लीव है 4.5 इंच उसकी लेंथ, और उसकी जो मोहरी है 5 इंच की। तो सबसे पहले हम बैक का जो हमारा बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो हम सिंगल पेपर लेंगे, यहाँ से हम सिंगल पेपर लेंगे। सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ है 12.5 इंच। तो हम यहाँ पे बैक पार्ट का जो कटिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम 1 इंच मिलाएंगे। फुल लेंथ में 12.5 इंच में हम 1 इंच मिलाएंगे, 13.5 इंच। यहाँ 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी हम 13.5 इंच। इसे हम सीधी लाइन देंगे। अब हम ऊपर के साइड से गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, बैक का नेक है 7.5 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे 8 इंच। सब बॉक्स बनाएंगे हम। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी नेक शेप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। यहाँ पे 1 इंच का कॉर्नर लेंगे हम, और इसे हम यहाँ से इस तरह से नेक का शेप देंगे। आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे, 6 इंच लेंगे। 6 इंच भी यहाँ निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम सीधी लाइन देंगे। अब हमने 6 इंच लिया, तो यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की ओर शोल्डर शेप देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ से चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट है 30 इंच। 30 इंच का 1/4 है 7.5 इंच, उसमें हम 2 इंच मिलाएंगे मार्जिन के लिए, 9.5 इंच। अब हमें तीनों पॉइंट मिलाएंगे। तरह से इतना आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा के यहाँ पे सीधी लाइन दी। अब नीचे की ओर वेस्ट में हम 1/2 इंच कम करेंगे, तो 9 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, और इसे हम पीछे लाइन देके ज्वाइन करेंगे। इस तरह से बैक का आर्मोल लेंगे हम 1.5 इंच पे, और इसे हम सेप देंगे। इस तरह से अब इसे हम कट करेंगे। जो बैक पार्ट में हम टक्स लगाते हैं, यहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे, और ऊपर की ओर भी हम 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से हम सीधी लाइन देंगे, और साइड में हम 1/2 इंच पे तिरछी लाइन देंगे। इस तरह से हमारा बैक टक्स रहेगा। अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम फुल लेंथ में 1.5 इंच मिलाएंगे, जबकि हमने बैक पार्ट में 1 इंच मिलाया, तो हम फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच मिलाएंगे। जितनी हमारी लेंथ है 12.5 इंच है, तो इसमें हम 1.5 इंच मिलाएंगे। 14 इंच पे हम यह निशान लगाएंगे। अब इसे हम सीधी लाइन देंगे।
इस तरह से यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, फ्रंट का नेक है 6 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे, 6.5 इंच भी निशान लगाएंगे। इसका हम बॉक्स बनाएंगे, इसे हम 1 इंच पे नेक शेप देंगे। आर्मोल है 5.5 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ सीधी लाइन देंगे और हम यहाँ पे 1/2 इंच पे शोल्डर उतार लगाएंगे। चेस्ट का 1/4 लेंगे हम, 7.5 इंच, उसमें हमने 2 इंच लिया मार्जिन के लिए और 1 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा, जो हमारा प्रिंस कट रहेगा तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अभी से हम ये चारों पॉइंट के मिलाएंगे इस तरह से, तो जितना ये मेजरमेंट आता है 10.5 इंच, तो हम नीचे की ओर 10 इंच लेंगे। और इसे हम मिलाएंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट का आर्म होल लेंगे 1 इंच और इसका हम जो 1/2 इंच छोड़ के ऊपर का सेंटर निकालेंगे, 5.5 इंच का 2.5 इंच आता है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच पे और यहाँ से हम ये इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल शेप देंगे, ये फ्रंट आर्म होल का शेप हुआ। अब हम क्रॉस पट्टी के लिए यहाँ से हम 3 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, इनको हम मिलाएंगे इस तरह से। और जो हम यहाँ से शोल्डर का सेंटर लेंगे 3 इंच का, तो 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से जो निशान लगा यहाँ से ठीक नीचे हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ से 2.25 इंच ऊपर लेंगे, इसे एक सीधी लाइन देंगे यहाँ से, उसके साइड से 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स के लिए, या हम ये इसे मिलाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इसे आर्म होल की तरफ जॉइन करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से। और इसके साइड से हम 1/4 इंच पे इस तरह से थोड़ी सी तिरछी लाइन देके, इससे हमारा यहाँ पे आर्म होल में झोल नहीं आएगा, तो इससे हमें 1/4 इंच पे इसे इस तरह से शेप लगाएंगे। अब हम इसे कट करेंगे, क्रॉस पट्टी कट करेंगे। अब हम इसे यहां से कट करेंगे, ये हमने जो 1/4 इंच पे कट किया था यहाँ से हम इसे कट करेंगे और इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये प्रिंस कट आता है, देखिए इस तरह से।
जब भी हम इसे हम जब फैब्रिक पे रख के जब इसे फैब्रिक जब कट करेंगे तो फैब्रिक हमें यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेने, क्रॉस पट्टी में नीचे की ओर से आधा इंच एक्स्ट्रा, और ये जो दोनों साइड से यहाँ से अंदर की ओर से आधा इंच एक्स्ट्रा और आधा इंच एक्स्ट्रा हमें कपड़ा कट करना है, बाकी हमारा जैसा है वैसा सिम कट करना है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ है 4.5 इंच, तो हम उसमें 1.5 इंच मिलाएंगे, 6 इंच, और यहाँ से हम ये जो हमारा बैक पार्ट है या कोई भी फ्रंट पार्ट हो तो इस तरह से हम आर्मोल का नाप लेंगे। ये 7 इंच आता है, इस तरह से ये हम तिरछा नाप लेंगे। देखो इस तरह से, तो 7 इंच आया तो हम 7 इंच में आधा इंच मिलाएंगे, 7.5 इंच, यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 7.5 इंच लिया हमने, अब यहाँ से हमने जितना 6 इंच लिया तो यहाँ से भी हम 6 इंच लेंगे इस तरह से। अब इसे हम इसका बॉक्स बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पेपर उसे हम कट कर लेंगे। ये हमने 1.5 इंच लिया था 4.5 इंच में, फिर हम सीधी लाइन दिए। अब यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे। इस तरह से हमें ये हमारी मार्जिन की लाइन है। अब हम आर्मोल का शेप देंगे इस तरह से। यहाँ से हम मोरी लेंगे 5 इंच, 5 इंच में हम 1 इंच मिलेंगे, 6 इंच मार्जिन के लिए, इसे हम तिरछी लाइन देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, अब इसे हम कट करेंगे। अब हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से हम बैक आर्म होल कट करेंगे पहले, और ये एक पेज उठा के हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। इस तरह से हमारी ये स्लीव तैयार है। ये जो 1.5 इंच हमने लिया ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अगर आपका अस्तर वाला ब्लाउज हो तो आप आधा इंच इस लेंथ में मिलेंगे, बगैर अस्तर का है इसलिए हमने 1.5 इंच मिला है। इस तरह से हमारे 4.5 इंच की ये स्लीव तैयार रहेगी। इस तरह से हमारा 3 प्रिंसेस कट ब्लाउज का ये बैक पार्ट है, और ये फ्रंट पार्ट है इस तरह से, और ये स्लीव है इस तरह से। हमने 30 इंचेस चेस्ट की 3 प्रिंसेस ब्लाउज की पेपर कटिंग तैयार की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।